राम राम। आप जुड़े हैं आपनों मेड़ता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। तो मेड़ता में जिस प्रकार का घटनाक्रम आपके सामने देखने को मिला है, एक आरोपी की पुलिस कस्टडी में बस से कूदकर मौत हो गई, उस मामले को लेकर जो पुलिस अधिकारियों के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, तो उसको लेकर मेड़ता की जनता है पुलिस प्रशासन के साथ आ चुकी है और मेड़ता कल से अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया जा रहा है। जब तक वो जा रहे हैं जो लगाई गई वापस नहीं लेता, जब तक मेड़ता की जो आम जनता है वो पुलिस के साथ खड़ी है। और किस प्रकार की आगामी रणनीति रहेगी, हमारे साथ मेड़ता के जनता प्रधान संदीप जी चौधरी जुड़े हैं। संदीप जी, किस प्रकार से घटनाक्रम रहा है और आगामी क्या रणनीति रहेगी आपकी? आज सभी आज सुबह सर्व समाज ने मिलकर जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, पुलिस प्रशासन के साथ जो अत्याचार हो रहा है, लोकतंत्र की सच्चाई है कि जब तक ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे किसी भी गलत के साथ हम उनका साथ नहीं देंगे। अभी सर्व समाज की जो बैठक रखी गई है उसमें सभी प्रबुद्धजन शामिल होकर ये निर्णय किया गया है, कल से अनिश्चितकालीन पूरा बाजार मेड़ता शहर बंद रहेगा। यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में भी सब जगह सूचना दे दी गई है, जब तक ये जो अनुचित इनके साथ किया गया है ये कार्रवाई नहीं रोकी जाती जब तक ये बंद रहेगा। जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ उनको जो अगर लोग साथ आ जाएंगे और उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उनको संविदा की नौकरी दी जा रही है, उनको जो मुआवजा दिया जा रहा है, उसमें किस प्रकार की जो अपराधियों में किस प्रकार का एक बार उनका हौसला बुलंद होगा? हमारे राजस्थान पुलिस का एक स्लोगन है, अपराधियों में डर आम जन में विश्वास। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पुलिस में डर और अपराधियों में विश्वास हो जाएगा, उनके हौसले बुलंद होंगे। आज एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस के जवान अपनी जान न्यौछावर कर और उनको पकड़ कर लेके आते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना बिना हथियार के वो उनसे झगड़ लड़ लेते हैं। लेकिन अगर ऐसी कार्रवाई होती तो आप बताइए कि कौन पुलिसकर्मी जाकर और ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई करेगा? कहीं ना कहीं सरकार ने जिस प्रकार के उनको मुआवजा दिया बिना जांच किए, सोचे समझे जो अपन कह सकें तुगलकी फरमान जारी करके पुलिस के अधिकारियों पे 302 की धारा लगाई है, उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? अगर सरकार ऐसे लोगों को मुआवजा देगी तो 2 या 3 दिन पूर्व जो मेड़ता में बुजुर्ग महिला की हत्या हुई है उनके किसी परिवारजन को ये नौकरी देनी चाहिए, उनको मुआवजा दो तो वो परिवार आज पीछे उनके कुछ रहा ही नहीं। अपराधियों के अगर मरने पर उनको अगर आप ऐसी राशि देंगे तो अपराध वो अपराध रुकेगा थोड़ी, अपराधी और हौसला बुलंद होगा और अपराध करेंगे। तो मेड़ता 2 दिन कल से बंद करने की घोषणा की है, इसको लेकर किस प्रकार के ग्रामीण लोगों से आह्वान किया जा रहा है, ग्रामीणों से किस प्रकार से मदद ली जा रही है ताकि ये बंद को सफल बनाया जाए, सरकार पे दबाव बनाया जाए? हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी सब तक ये समाचार पहुंचा रहे हैं और जितने ज्यादा से ज्यादा होगा उतने लोगों से संपर्क कर सभी से आह्वान करेंगे, निवेदन करेंगे कि प्रशासन के पक्ष में ये बाजार बंद रहना चाहिए, जिससे ये 302 की जो धारा लगाई है ये आप जानते हैं 302 की धारा एक हत्या पर लगती है, उन निर्दोष लोगों के खिलाफ जो ये हो रहा है वो हम नहीं सहेंगे। बिल्कुल, ये थे जनता प्रधान जो बता रहे थे कि मेड़ता किस प्रकार से बंद रहेगा और ग्रामीण लोगों से किस प्रकार की मदद की गुहार लगाई जाएगी। हमारे साथ पूर्व एमएलए सुखाराम जी नेतड़िया साहब है, आप गाँव वालों की प्रकार निवेदन करो कि आप ज्यादा से ज्यादा हटाओ और बंद सफल करो। कल से 2 दिन के लिए सभी ग्रामवासियों को मोबाइल के जरिए फोन के जरिए ये बता देंगे कि भाई सारे मेड़ता बंद हो रहा है, इसलिए आप लोग सभी ये 36 कौम के फायदेमंद की बात है और ये कहावत है कि चोर कोतवाल न डंडे, इस तरह का मामला पुलिस के खिलाफ लगाया है ये गलत है, कोई विशेष व्यक्ति के लिए ये मामला नहीं है, इसलिए हम सभी 36 कौम के बिना पार्टी के ऐलान करेंगे कि हम 2 दिन शहर और ग्राम बंद रखेंगे। तो बिल्कुल, पूर्व एमएलए साहब ने भी गांव वालों से अपील की है कि कल से मेड़ता पूरा संपूर्ण बंद रहेगा, इसमें मंडी भी बंद रहेगी, सारे प्रतिष्ठान है बंद किए जाएंगे, जो लोग बंद नहीं उनसे निवेदन भी किया जाएगा, सारी जो एकजुटता है मेड़ता एकजुटता के मामले में एक मिसाल कायम करता है जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है। तो हमारे साथ लक्ष्मण जी कल्लू जुड़े हैं। लक्ष्मण जी, आप किस प्रकार से इस घटनाक्रम को देखते हैं और किस प्रकार से लोगों से अपील करना चाहेंगे ताकि इस प्रकार की कृत्य आगे नहीं हो और जो निर्दोष पुलिस अधिकारी है उनके किसी प्रकार की गाज नहीं गिरे? मेरा सबसे निवेदन है गांव वालों से, भाई इसमें हम सबको भागीदारी बननी चाहिए,
क्योंकि ऐसे चोरों के जो है हौसले बुलंद होते हैं और पुलिस वालों का तो इसमें कोई दोष है ही नहीं कि चोर हमेशा पुलिस से पुलिस को चक्का देके भागते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। वैसे ही राजू ने किया, भागने की कोशिश की, वो सर के बल गिर गया, चोट लग गई। तो ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्यों ऐसे लोकतंत्र होगा तो फिर चोरों के हौसले बुलंद हो गए। वो मरने से पहले भी कमा रहा है, मरने के बाद भी कमा रहा है, ये बहुत गलत परिपाटी हो रही है। और जो जिन लोगों की चोरियां की, मोटरसाइकिल की या जो सोना चुराए, वो भी गरीब लोग थे, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब लोग साथ में हैं, तो सबसे निवेदन है सबने सहयोग भगदने जय हिंद। तो आप लोगों को बता दें कि मेड़ता कल शनिवार से बंद रहेगा। जिस प्रकार से पुलिस अधिकारियों पर अनुचित धाराएं जो लगाई गई है, जब तक धाराएं वापस नहीं ली जाती मेड़ता है बंद रहेगा। तो सभी किसान साथियों और ग्रामीण लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को जानकारी रह जाए कि मेड़ता है कल से बंद रहेगा। जो भी लोग मेड़ता खरीदारी के लिए किसी कारण से आते हैं तो मेड़ता में प्रतिष्ठान और कृषि मंडी भी बंद रहेगी। आगे क्या रणनीति, पूरी अपडेट आपके साथ रखेंगे। जय जवान जय किसान।